छात्रों, आज हम फ्लड लाइटिंग स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। फ्लड लाइटिंग मीन्स फ्लडिंग ऑफ लार्ज सरफेस एरियाज विद लाइट फ्रॉम पावरफुल प्रोजेक्टर्स। ए स्पेशल रिफ्लेक्टर एंड हाउसिंग इज एम्प्लॉयड इन फ्लडिंग इन ऑर्डर टू कंसंट्रेट द लाइट एमिटेड फ्रॉम द लैम्प इन टू रिलेटिवली नैरो बीम, विच इज नोन एज फ्लड लाइटिंग प्रोजेक्टर्स। दिस प्रोजेक्टर कंसिस्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज दैट मे बी ए सिल्वर्ड ग्लास और क्रोमियम प्लेट और स्टेनलेस स्टील। द एफिशिएंसी ऑफ सिल्वर्ड ग्लास एंड पॉलिश मेटल्स आर 85-90% एंड 70% रेस्पेक्टिवली। यूजुअली मेटल रिफ्लेक्टर्स आर रोबोस्ट, देयरफॉर दे कैन बी प्रिफर्ड। एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग इज फ्लड लाइटिंग ऑफ लार्ज एंड ओपन एरियाज। इट इज नेसेसरी टू एम्प्लॉय फ्लड लाइटिंग टू सर्व वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। मेथड ऑफ लाइटिंग कैलकुलेशंस। There are so many methods have been employed for lighting calculations. Some of these methods are watt per square meter method, lumens or light flux method, point to point method. यहाँ पर हम एक example लेकर समझा रहे हैं कि एक room 20x10 meter is illuminated by 60 watt incandescent lamp of lumens output 1600 lumens. The average illumination required at workplace is 200-300 lux. Calculate the number of lamps required to be fitted in the room. Assume utilization and depreciation factors are 0.5 and 1 respectively. तो यहाँ पे देखेंगे रूम का एरिया है 20 × 10 meter, 200 square meter. फिर इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड है इसका, टोटल इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड 300 लक्स. वाटेज ऑफ ईच लैम्प बता रखा है 60 वाट. तो ल्यूमिनियस आउटपुट ऑफ द लैम्प है 1600 ल्यूमेंस. ये सब दिए हुए हैं जैसे क्वेश्चन में ऊपर प्रश्न में दर्शाया हुआ है. यूटिलाइजेशन फैक्टर और डिप्रिसिएशन फैक्टर भी दिए हुए हैं 0.5 और 1. तो यहाँ पे आप मेंटेनेंस फैक्टर निकालेंगे जो कि इनवर्स ऑफ डिप्रिसिएशन फैक्टर होता है, तो वो भी आपका 1 आ गया. अब नंबर ऑफ लैम्प्स रिक्वायर्ड हो जाएगा एन इज इक्वल टू एफ इंटू ए अपॉन में फाई यू एफ एम एफ. यहाँ पे सारे टर्म्स हैं वो दिए हुए हैं आपने देखा है. तो F आपके 300 दे रखे हैं जैसे ऊपर बताया था जो आपके हैं, और एरिया इसका 200 स्क्वायर मीटर है. फिर आपके फाई ल्यूमेंस 1600 हैं, यूटिलाइजेशन फैक्टर और मेंटेनेंस फैक्टर आपके 1 और 0.5 हैं. इस प्रकार से 7.5 लैंप आए, तो आप 8 भी ले सकते हैं और 7 भी ले सकते हैं. थैंक यू.